आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। 29 जून 2020 को एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना मिर्ज़ापुर जनपद में हुई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली ये घटना है, जिसमें माँ बेटे को जिंदा जला दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, लोगों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कानून का कोई भय नहीं रहा है, इसलिए ये गुंडा राज आज की तारीख में पनपा हुआ है। घटना चुनार विधानसभा क्षेत्र में, जो मिर्ज़ापुर जनपद के अंतर्गत आती है, हुई है, जहां मीना देवी पत्नी छोटेलाल और अंकित निषाद पुत्र छोटेलाल को जला दिया गया है। उनके भतीजे ने बताया कि जमीन का विवाद है जो 30 साल से चल रहा है पटेल समाज के लोगों से, और वो लोग जो 30 साल पहले ज़मीन खरीदी हुई है वो कहते हैं ये ज़मीन हमारी है, और जबकि निषाद परिवार ने वहाँ उसकी नींव भर रखी है और उसी के सामने अपनी दुकान भी चलाते हैं। मीना निषाद उम्र 45 साल, उनका बेटा अंकित उम्र 17 साल अपनी ज़मीन जो खरीदी हुई है उसके सामने सब्जी बेचते हैं। वहाँ पर जो घटना हुई है, तो दिन दहाड़े कुछ लोग आते हैं और उन्हें पीछे की ओर ले जा करके उनके ऊपर केरोसिन डाल करके आग लगा देते हैं। जब आग लग जाती है तो शोरगुल सुन करके आसपास के लोग आ जाते हैं और उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाता है, जहाँ से उनको गंभीर हालत होने पर BHU भेज दिया जाता है। और विवाद इस तरह का देखा जा रहा है कि कितना घटना खतरनाक रही है कि लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है। पीड़ितों का इलाज BHU ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, और एक मानव संदेश इनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है और ऐसी घटनाओं की निंदा करता है और आशा करता है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने पर बेहतर कदम उठाएगी और दोषियों को सजा कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्य करेगी, क्योंकि आज ऐसी आगजनी बलात्कार बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही हैं और लोगों में क्योंकि कानून का भय नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हम बेल आइकन दबाइए, और जिससे कि ये घटना की जानकारी हर जिसके हाथ में मोबाइल है, जो चलाता है यूट्यूब फेसबुक कहीं भी, वो देखे और ऐसी घटना की निंदा करे और सरकार को प्रेशर लगे कि ऐसी घटना को रोका जाए, क्योंकि बड़े समाचार माध्यमों ने इस घटना को कवर नहीं किया है, जबकि ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना जो हुई है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं पीड़ित। गोली मार के कुछ क्या मामला है, पूरा बताइए अब इसमें रिकॉर्ड। सर क्या बात, वीडियो सर, SDM साहब आए थे घर तक जमीन का नाप के लिए, हमने बुलाया था, खास दिया था, उन्होंने बताए थे, हमने कुछ दिन का मौका मांगा था, उन्होंने कहा था कि पक्की नकल ले आइए, पक्की नकल के लिए मैंने मिर्ज़ापुर दरखास्त दिया हूँ। SDM साहब आए थे, इस जमीन की पक्की नकल मांग रहे थे। हाँ, तो ये मतलब ये जराक्स है आपके पास? जी जी। पक्की नकल के लिए आपने दरखास्त डाला हुआ है? डाल दिए हैं। अच्छा, मिर्ज़ापुर में बंद होने के कारण मैं नहीं लिया पाया, उनके पास नहीं गया। अच्छा, इसके बीच सभी लोग ने आज इकट्ठा हमारे घर मतलब में शादी करी है। SDM साहब यहाँ आकर पक्की नकल मांग रहे हैं। कोई शराब से नहीं नापा जाता हमारा खेत। हाँ। यहाँ वहाँ लम्बा चौड़ा करके नापा जाता है। हम कहते हैं भैया आपके सही से हो, पक्की पैमाइश करा लो, ले लो ले लो, हम जिसका लिखा है मैं उसी में रहूंगा। तो वो अपनी सारी जमीन को आगे जो फ्रेंड पर भी बेच चुके हैं, हमारे दस्तावेज में भी पीछे लिखा होगा। बिल्कुल। लेकिन अब हमको आगे से हटाना चाहते, मैं गरीब हूँ, उनके पास 500 बीघे खेत है, वो पूंजीपति है, उनके साथ सरकार है, मैं गरीब अकेला हूँ, मैं केवल एक बिस्तर लेकर बीवी बच्चों के साथ सब्जी की दुकान चाय की दुकान करके गुजर बसर करता हूँ। आज हमको हमी को हटाने के अपनी लालच के चक्कर में मेरे परिवार को जिंदा जला दे रहे हैं। अपनों के बोला, अपनों के बोला कि हम के छेक के गोली मार देना है। अगर मैं वहाँ से नहीं हटना तो वो हमारे ऊपर भी हमला कर दिए होते। हम भी शांत थे जब मैं इनके पास आया, देख रहे हैं कि भैया ऐसा कर रहे हो, मना कर रहे हैं, नहीं करो भैया, हमारे बीवी बच्चे मर जाएंगे, ये तो जमीन है, ये जेब में नहीं जाएगा, कभी भी आप ले सकते हो, दे सकते हो, ऐसा अन्याय मत करो यही कहते रह गया। लेकिन हमारे सामने ही
कुछ देर तक जब तक जली नहीं तब तक वो जलाते रहे। हम कितना बुझाए कोई नहीं था, सारे उन्हीं के थे, बदमाश थे और उसी गांव के हरजन बस्ती के लेबर भी थे। अच्छा। लेबरों ने उठा उठा करके जबरदस्ती फेंक रहे ईटा उधर, हमारे बीवी बच्चे केवल उनके पास जा जाकर रोकर खड़े जा नहीं करने देंगे, लेकिन एक नहीं माने, उनको जला कर राख कर दिया। अब जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे? चलिए कार्रवाई भी होगा, एफआईआर होगा, अब एफआईआर भी होगा, उनकी गिरफ्तारी भी। हमारे पास जो कागज है, मैं बिल्कुल अनजान हूँ, जो जैसे कहते मैं वो करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग मेरे बच्चे रहिए, बेफिक्र रहिए, एफआईआर भी होगा और गिरफ्तारी भी होगी, एकदम निश्चित रहिए। लेबर लोग जबरदस्ती हमारे बाड़ू नाम से जानते हैं। कौन कौन जला है आपको? कौन कौन जला है आपको? और मम्मी। हाँ। 50 आदमी लेके गुंडा करके लेके आए थे। गांव के आदमी थे या बाहर के थे? आदमी गांव के थे या बाहर के थे? बाहर के थे। अच्छा, बाकी ये लोग चार लोग गांव के, आपके गांव के ही है जो जलाने वाले हैं? हमारे गांव के जो जलाया आपको? जलाया जिस हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हाँ। अन्याय कर रहा है, जबरी कब्जा ले रहा है। हाँ। सबके सामने जला दिया? हम लोग कहते हैं कि भैया अपना नाफी करा दीजिए, पक्की नाफी हो जाएगा, तो अपना तो ले देना। अच्छा, पुलिस आई थी वहाँ पे? बाद में पुलिस आई थी। यहाँ पे पुलिस आई थी? कोई नहीं, सब रह रहा। कोई नहीं आया था? नहीं, वो सौ नंबर का डर कर रहा। जबरदस्ती उखाड़े लगे। हम जो कहे कि हम लोग के काट दो, अपना ले लो, परिवार मट्टी के तेल डाल के हम लोग के जला दिए। अच्छा, आपको और आपके बेटे को? हाँ। चलिए ठीक है। किसने जलाया आपको? बाड़ू ने, उसका दूसरा नाम पता नहीं है, बाड़ू ने जलाया है। तीस साल पहले पापा जमीन लिखवाए थे और वो जवानर कब्जा 30 साल पहले पापा जमीन लिखवाए थे वो जवानर कब्जा करने के लिए वो आया और हम लोग को ऊपर केरोसिन डाला। अच्छा। और माचिस लगा दिया। अच्छा, कौन कौन थे जलाने वाले? बाड़ू थे, नवीन थे और 50 आदमी थे। अच्छा, 50 आदमी थे। हम लोग अकेले क्या करते? अच्छा, 100 नंबर को डायल किया, जा ही नहीं रहा था। अच्छा, 100 नंबर डायल किया तो जा ही नहीं रहा था। हाँ। अच्छा, कुछ दिन पहले हम लोग बोले थे कि हम लोग को लिखित दे दीजिए और अपना कब्जा कर लीजिए, लेकिन उन लोग जबरदस्ती 144 धारा लागू है तब पर भी उन लोग जबरन कब्जा कर रहे थे। अच्छा, हम लोग तो एकदम गरीब आदमी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, जलाने वाले मतलब चार थे, बाकी भीड़ 50 थी। सब लोग हम लोग को हड़का रहे थे, हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, भीड़ भी थी 50 लोग की? सब लोग न्यू कवा रहे थे, सबका पैर पकड़ रहे थे, लेकिन कोई मेरी बात नहीं माना। अच्छा, कोई बात नहीं माना। हाँ। अच्छा, गाँव वाले थे 50 लोग की बाहरी आए थे? कुछ मिश्रपुरा के लोग थे, कुछ कौन से कहाँ के? मिश्रपुरा के लोग थे, कुछ मेड़िया के लोग थे, कुछ नई बस्ती के लोग थे। अच्छा, बहुत सारे लोग थे, सबके चेहरे को पहचानते हैं लेकिन नाम से परिचित नहीं है। अच्छा, सब चेहरा पहचानते हैं, नाम से परिचित नहीं है। हाँ। उसका सर दीवार था वो। अच्छा, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची? नहीं। अच्छा, यहाँ पुलिस आई थी? यहाँ नहीं, हम लोग थाने गए थे तो चिचनी मोड़ पे पुलिस आई थी और मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। आपके खिलाफ? हम्म। अच्छा, पुलिस आप ही के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे? हम्म। जब आप फरियाद लेकर जा रहे थे? हाँ। अच्छा, जबरन कब्जा किया जा रहा है मेरे जमीन को। अच्छा, जबरन कब्जा किया जा रहा है। हाँ।